हेलो हेलो प्रज्ञा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ तनु, कोई अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मैं, मुझे जरूरी काम ही था। एक्चुअली मुझे तुमसे पूछना था कि उस घर में आने के लिए, आई मीन मुझे उस घर में लाने के लिए तुमने कोई तरीका निकाला? हेलो, मैं अपने घर में नहीं रह पा रही। आई मीन जब से अभी ने मुझे एक्सेप्ट किया, मैं मेरा एक एक पल काटना मुश्किल हो गया प्रज्ञा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कैसा फील कर रही हूँ। तुम अपना प्रॉमिस का पूरा करें तनु। मैं वाकई कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। What? What do you mean by रास्ता नहीं मिल रहा? पर क्या तुमने खुद को चैलेंज किया और मुझे प्रॉमिस, और अब तुम कह रही हो कोई रास्ता नहीं मिल रहा? तनु, मैंने ये कहा कि मुझसे कुछ हो नहीं रहा। मैं बस ये कह रही हूँ कि इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर निकालूंगी। तुम प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखो तनु। जैसे ही मुझे कोई भी रास्ता सूझेगा ना, मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। कुछ भी होगा ना, मैं फोन करके बताऊंगी तुम्हें। जैसे ही कुछ होगा मैं बता दूंगी, अगर इससे कुछ नहीं हुआ तो मैं तो यहीं रह जाऊंगी। नहीं, इतने सपने देखने के बाद मुझे ये नहीं सुनना। अगर प्रज्ञा कुछ नहीं कर पाई तो मुझे उस घर में जाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। वक्त निकलता जा रहा है, मुझे कुछ भी करके तनु को इस घर में लाना ही होगा, पर कैसे? इतना सोचा पर कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। दी, दी क्या कर रहे थे आप? सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। ये ऐसा क्या सोच रहे थे आप कि आपको पता भी नहीं चला? वहाँ पे वो जल रही थी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना देती हूँ। रुको, मैं करती हूँ। हाँ, ये हो सकता है, यही सही रहेगा। पर ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ऐसा करके मैं तनु को इस घर में लाई तो कोई उसे यहाँ रहने से मना नहीं करेगा। अब तो यही करना पड़ेगा। रचु, सुन, तू ये साग बना देना, मुझे कुछ काम है, जरूरी है, मैं करके आती हूँ। दी, सब ठीक है ना? कुछ परेशानी है क्या? सब कुछ ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं रॉबिन को भेजती हूँ तेरी मदद करने के लिए। हाँ, फिर मुझे तुमसे बात करनी है बेटा। मुझे काम है, मैं बाद में बात करूँ। दीदी को सिर्फ तुझसे 2 मिनट बात करनी है, और हो सकता है तेरे जरूरी काम से ज्यादा दीदी की बात जरूरी हो। मेरे काम से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं, इसलिए कोई रोकेगा तब भी नहीं रुकूंगी। चल दादी, आप प्रज्ञा दी की बात का बुरा मत मानना, वो एक्चुअली थोड़ा परेशान है। पता नहीं क्या बात है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे आई, देखा सब्जी जल रही थी, उन्हें पता भी नहीं चला। इंदु, चल मेरे साथ। रिलैक्स आलिया, जस्ट चिल, हम कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लेंगे। स्टॉप इट आलिया, क्या फिगर आउट कर लेंगे? मेरी बात मान और छोड़ दे पूरब को, बहुत बेटर लड़के हैं पूरब से। यू नो व्हाट, डोंट यू डेयर से समथिंग। मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा पूरब चाहिए, समझे तुम? तुझे पूरब चाहिए पर उसे तू नहीं चाहिए आलिया। उसने जिस तरह से बिहेव किया, वो तुझ में क्या किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है? फिर तुझे इतना क्यों ऑब्सेशन है यार? ऑब्सेशन नहीं है, प्यार है मेरा, समझे तुम लोग? प्यार करती हूँ मैं से, और एक बार जब आप किसी से प्यार, मैं तुम लोगों को ये सब कुछ बताकर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही? आई मीन तुम लोग मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था मेरे पूरे प्लान में मेरी मदद करने के लिए, लेकिन नहीं, मुझे और पूरब को करीब लाने के बजाय तुम मुझे उससे दूर होने के सजेशंस दे रहे हो। कैसे दोस्त हो तुम लोग मेरे? आलिया लिसन, क्या तुम लोग भी जरूरी था ये सब बोलना? तुम लोगों को सबको पता है कि वो बचपन से ही ऐसी है, किसी चीज के पीछे अगर वो पड़ जाती है तो उसे किसी भी हालत में पाकर रहती है। उसकी हेल्प करो यार,
Come on now. Don't lose the mood, okay? Come on, cheer Fine. up. Let's yeah. okay. Chalo. तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही? वो दरअसल एक आइडिया आया था, इसलिए कहीं जा रही। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वही तो कह रही हूँ, दिमाग में एक आइडिया आया था, इसलिए तनु से मिलने जा रही। मैं तनु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। क्या हम दोस्त नहीं बने रह सकते? तुम मेरे सवाल को अवॉइड क्यों कर रही? सिंपल सा सवाल है, दो सेकंड में हाँ या ना बोल सकती हो ना तुम, लेकिन चुप रहकर तुम इसे और कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हारे पास आऊं। तुम्हें जो लेकिन मुझे फर्क पड़ता, अगर ये बातें मेरे दिल में रह गई तो क्या मैं तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं हूं? आया ना कुछ भी बोलो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ तो बोलो। तो फिर कैसा? देखो मैं इन बातों में ना दोबारा किसी को मौका नहीं देता, खास करके उन्हें जिन्होंने मुझे इमोशनल फूल बनाया। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। अब क्यों करना चाहते हैं मुझसे दोस्ती, ये जानते हुए कि दिनों में मैं इस घर से चली जाऊंगी। ऐसा रिश्ता बनाना ही क्यों चाहते हैं जो आगे नहीं बढ़ सकता? मैं बीते हुए कल को नहीं भुला पाया और तुम आने वाले कल की बात कर रही हो। शायद मैं इस रिश्ते को एक नाम देना चाह रहा हूँ जो हमारे बीच में रहा। हम समझ नहीं पाए कि हम एक दूसरे के लिए क्या है, और जब तक मैं समझ पाता ना तब तक सब कुछ बदल गया। मैंने अपनी सोच बदल ली और तुमने खुद को, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी याद ना आई, इसलिए मैं इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूं। क्योंकि दिल को समझाने के बाद ना दिमाग को समझाना आसान हो जाता है। बोलती क्यों नहीं, प्लीज कुछ तो बोलो। नहीं, हम दोस्त नहीं बन सकते। आप और तनु एक साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाले, और ये जानते हुए कि तनु आपको लेकर कितनी पजेसिव है, मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ और आपके परिवार की खुशी के लिए कर रही हूँ। मैं आपके परिवार के लिए खुशी की जगह एक और नई प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती। और अगर मैं तुम्हें अपना दोस्त मानूं तो? जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता, जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। क्या हुआ है इंदु? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रज्ञा जो दिख रही है वो ऐसी है नहीं, वो तो मुझे अभी से ज्यादा प्यार करती है। मेरा दिल कहता है
ये आप क्या कह रहे हैं दीदी? उसने सरेआम आपकी बेइज्जती की, आपके फैसले के खिलाफ जाके उसने आकाश और रचना की शादी कराई, और तो और आपकी परवरिश पे सवाल उठाए, और आप कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करती है। हाँ हाँ सब याद है मुझे, पर मुझे फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। ऐसा है नहीं जैसा वो कर रही है, पता क्यों कर रही है, उसको कोई ना कोई टेंशन है जिसकी वजह से उसको अपने आप को बदलना पड़ रहा है। हो सकता है उसकी माँ की या बुलबुल की कोई प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं है दीदी, ऐसा होता तो प्रज्ञा हमसे प्रॉब्लम डिस्कस करती। पर ये भी तो हो सकता है ना कि वो हमें कोई टेंशन देना ही नहीं चाहती, अपनी परेशानी खुद सुलझा रही हो। वैसे भी तो वो ऐसी ही है ना, वो सब तकलीफ अपने ऊपर ले लेती है, दूसरे तक तो आंच तक नहीं जाने देती। अगर वो आपको कुछ बुरा भी बोल रही है तो उसके पीछे भी आपकी भलाई ही सोच रही है, ऐसी ही है प्रज्ञा। देख रही हूँ दीदी, मैंने आपकी वजह से प्रज्ञा से लड़ाई की और अब आपको प्रज्ञा अच्छी लगने लगी, ये अच्छी साइड बदल ली आपने। क्या मतलब तेरा? मेरा मतलब यह है कि प्रज्ञा ऐसी लड़की हो ही नहीं सकती थी, वो तो आपकी वजह से मुझे उसको इतना सब कुछ सुनाना पड़ा। तो मैंने कब कहा तुझे उससे लड़ने को? दीदी आपने नहीं कहा, मेरा तो फर्ज बनता है। आप बड़ी बहन हो मेरी, वो आपकी बेइज्जती कर रही थी, मैं उस पे हाथ नहीं उठाती तो फिर क्या करती? कमाल है, तू ही तो मुझे प्रज्ञा के खिलाफ भड़का रही थी, कह रही थी कि जाओ प्रज्ञा को सबक सिखाओ, उसे ऐसा बोलो है? अब अचानक तुझे प्रज्ञा अच्छी लगने लगी, पार्टी तू बदल रही है कि मैं? मैंने कब आपको प्रज्ञा के खिलाफ भड़काया? मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि आपका मूड सही है या नहीं, नहीं तो जाके मैं उससे बात करूंगी ना। हाँ तो अब कर लेना बात जाके। अब आपको नाराज करके मैं प्रज्ञा से बात करने तो नहीं जा सकती ना, जितना प्यार मैं प्रज्ञा से करती हूँ उतनी इज्जत मैं आपकी भी करती हूँ। तो ये बात पहले भी तो कर सकती थी ना। प्यार दिखाओ तो शिकायत, नहीं करो तो शिकायत। मैं तो जा रही हूँ प्रज्ञा के पास बात करने के लिए, अब आप ना सोचो आपको क्या करना है। तू अकेले जाएगी प्रज्ञा के पास? आप भी चलो ना साथ में। रोका किसने? ये कोई तरीका होता है साथ ले जाने का? अब तू क्यों मुस्कुरा रही है? वो मैं हमेशा से ऐसा हंसता खेलता परिवार जाती थी ना, तो आज खुश हूँ कि मुझे आकाश के साथ साथ वैसा परिवार भी मिल गया जिनकी लड़ाई में भी इतना प्यार दिखाई देता है। दीदी मानती हूँ गलती मेरी है, लेकिन अब बताओ तो सही करना क्या है? सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि प्रज्ञा को परेशानी क्या है, मजबूरी क्या है जिसकी वजह से उसको खुद को बदलना पड़ा। सही कहा। और इंदु ये काम बड़ी होशियारी से करना पड़ेगा, प्रज्ञा को ये नहीं पता लगना चाहिए कि हम उसके बारे में क्या पता करना चाहते हैं। सही दीदी, बिल्कुल सही, सही है ना? लो आ गई लुटेरी दुल्हन, या तो ये मेरे सारे पैसे लूट लेगी या फिर मेरे बेटे को मुझसे अलग कर देगी। मम्मी जी अब तक तो मैं आपकी शक्ल देख के सड़ती और कुड़ती थी, और वही एक्सप्रेशन आपकी शक्ल पर देखकर ना मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। मम्मी जी कर क्या रही हैं? केला ऐसे क्यों खा रही हैं? क्या है, कभी किसी को पहले केला खाते हुए देखा नहीं है तूने? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है मुझे। ये मम्मी जी ना केला खाकर कोई ना कोई झमेला जरूर करने वाली है। ए सुन इधर आ। अब आएगा मजा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्या है ये? सॉरी मम्मी जी गलती से गिर गया, मैं उठाती हूँ ना।
एक काम नहीं होता तुझसे ठीक से, काम चोर कहीं की। जी मम्मी जी, आपने बुलाया मम्मी जी? मम्मी नहीं हूं मैं तुम्हारी, और ये माँ बेटी का नाटक ना मेरे साथ तुम बिल्कुल भी मत करना। तुम अब जा यहां से, जा। जिस काम के लिए बुलाया था वो काम तो हुआ ही नहीं, खेलने का छिलका कहां गया? मम्मी जी, मम्मी जी हाथ हाथ लीजिए मेरा। तू हाथ यहाँ से, हाथ दीजिए मेरी कमर तोड़ डाली। मुझे हाथ दीजिए, तू भी मत छू मुझे, जा दोनों दफा हो जाए यहाँ से। अरे आप हाथ तो दीजिए, कुछ और हो जाएगा नहीं तो। हाथ दीजिए, हाथ हाथ पकड़े। हाय तू छोड़। ओ गॉड जी, पेट दुखने लगा। बंद कर अपना ये हंसना। तू पता नहीं किसने केले का छिलका डाल दिया था यहाँ, खा तो आप ही रही थी। चुप कर तू। कुछ भी सेम नहीं, सब चेंज हो गया। क्या करूं ऐसा कि सब पहले जैसे हो जाए? क्या सबको बता दूं? क्या कोई ऐसा नहीं है जो मुझे आके बताए कि करना क्या है? प्रज्ञा, प्रज्ञा वो कुछ काम था प्रज्ञा से। आप लोग ये क्या हुआ, कैसे हुआ, बताया क्यों नहीं, कब हुआ? अरे दादी ये आप लोग कंट्रोल कीजिए, कुछ नहीं हुआ है, बस कल रात को दरवाजे में हाथ अटक गया था। बेटा दर्द तो नहीं है? अरे नहीं दासी, अब दर्द नहीं हो रहा है। बेटा प्रज्ञा कहाँ है? दादी वो तो किसी अर्जेंट काम से बाहर गई है। अर्जेंट था तो तू उसे साथ लेके बाहर क्यों नहीं गया? एक्चुअली मैंने उसे पूछा था कि कहाँ जा रही हो, बता दो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। ठीक है बेटा, बात दरअसल ये है कि बात तो हम प्रज्ञा से ही करने आए थे, पर वो क्या है कि अब तू मिल गया है तो तुझसे पूछ लेती हूँ। बोलो ना दादी। बात दरअसल ये है कि मेरा मतलब है बेटा, प्रज्ञा को कोई परेशानी तो नहीं है घर परिवार की तरफ से, या फिर तुझसे लड़ाई झगड़े की कोई टेंशन है उसे? मैं प्रज्ञा को अच्छी तरह जानती हूँ, वो किसी को बुरा बोलना तो क्या, किसी के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती, लेकिन आजकल जैसे वो बर्ताव कर रही है मुझे लगता है कि वो किसी मजबूरी में कर रही है, कोई बात है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही है, लेकिन वो बात किसी को बताना चाहती नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं बेटा। दादी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मतलब है कि बात है लेकिन जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ नहीं, वो मेरी वजह से परेशान है। एक्चुअली मैंने काम ही ऐसा किया है कि उसके बदले में और कोई भी होती ना तो परेशानी होती, और जो मैंने किया उसका सलूशन अब किसी के पास नहीं। क्या किया तूने, क्या बोला उसे? दादी मैंने, ये क्या कर रहा है, कुछ भी बताया तो तनु की प्रेगनेंसी की बात सामने आ जाएगी, फिर जिस प्रॉब्लम में मैं फंसूंगा ना। दादी याद है आपको, मैंने प्रज्ञा को अपने नए एल्बम में मॉडल की तरह यूज किया था। हाँ, तो उस एल्बम की पॉपुलैरिटी की वजह से मेरे जो भी फैंस है वो प्रज्ञा के आगे पीछे घूमने लगे, तो प्रज्ञा को ये सारी चीजें पसंद नहीं है। क्या है उसे लाइमलाइट की आदत नहीं है ना। ये तो कोई वजह नहीं हुई परेशान होने की, अगर ऐसी बात है भी तो बेटा वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? वो दादी क्या है ना, इंसान जब चिढ़ जाता है तो अपना चिड़चिड़ापन सब पर निकालता है, हम भी ऐसा करते हैं तो वो भी यही कर रही है, पर इसका सलूशन है और उसी के पास है बस। आई एम श्योर एक दो दिन की बात है और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तू कहता है तो एक दो दिन और देख लेते हैं। चल, चल। कोई बात नहीं, चल। मैंने बोल तो दिया पर पता नहीं वो आप क्या करेगी। आई होप आप वो ऐसा कुछ ना करे जिससे दादी दोबारा हट हो जाए। क्यों सोच रही हूँ मैं इनके बारे में, मैं वो देख रही हूँ जो मैं देखना चाहती हूँ, वो नहीं जो सच है, वो सच जो अब कभी बदल नहीं सकता। पर क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे मैं हमेशा के लिए उनके साथ रहूं, मैं दादी माँ बुलबुल किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना।
हेलो हेलो प्रज्ञा। प्रज्ञा कहाँ है तू? तूने मुझे जहाँ बोला था ना वहाँ मैं कितनी देर खड़े होकर तेरा इंतजार करती रही। वो माँ मैं गुरुद्वारे पे ही थी लेकिन मुझे अचानक कहीं और जाना पड़ा। दरअसल वो ये मुझे अचानक दूसरी जगह ले आए तो जल्दी जल्दी मैं आपको फोन भी नहीं कर पाई। लेकिन बेटा मैंने तो तुझे फोन किया था, तेरा फोन तो स्विच ऑफ पड़ा था। वो चार्ज नहीं थी ना तो अभी चार्जिंग पे ही लगा है तो ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो पहले मुझे ये बता कि बात क्या है। कुछ नहीं, मैं मिलके बताती हूँ ना। अच्छा ठीक है, तू बाद में बताना। सुन, ज्यादा टेंशन मत लेना। हाँ ठीक है, शाबाश। अब कुछ ऐसा ही होगा जिससे हर कोई खुश रहेगा।